बुलंदशहर में गाजियाबाद की एक कंपनी से मैक्स वाहन से सभी लोग अपने घर अलीगढ़ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे। इससे पहले कि वह घर पहुंचते कि बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और मैक्स वाहन की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद की एक कंपनी से मैक्स वाहन से सभी लोग अपने घर अलीगढ़ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे। इससे पहले कि वह घर पहुंचते कि बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस से इस मैक्स की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तत्काल घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ घायलों को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं गंभीर रूप से घायलों को मेरठ रेफर किया गया है। एक मैक्स पिकअप गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी और उसकी एक प्राइवेट बस से दुर्घटना घटी है। लगभग अब से 50 मिनट पहले दुर्घटना काफी बड़ी है और 21 लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। डॉक्टर्स द्वारा देखा जा रहा है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है डॉक्टर्स की, और उस पर कुछ कैजुअलिटी हुई हैं। पहला उद्देश्य है कि तत्काल उनको उपचार दिया जाए और हम सभी लोग लगे हैं कि जितने भी घायल हैं उनका अच्छे से इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए। यह हादसा इतनी तेजी के साथ हुआ कि मैक्स में बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। किसी ने यह सपने में नहीं सोचा था कि छुट्टी में रक्षाबंधन पर घर जा रहे लोगों का यह हश्र होगा कि वह अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।